जब भी हम तरबूज का नाम लेते हैं तो हमारे सामने लाल रंग के रसीले और मीठे फल की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी पीले रंग के तरबूज खाए हैं? अगर नहीं खाए तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पीले रंग के तरबूज लाल रंग के तरबूज से ज्यादा मीठे और फायदेमंद है। इसी बीच कर्नाटक के रहने वाले एक शख्स ने पीले रंग के तरबूज की खेती की है। 10-20 जने को हम हमारे तरफ से उसको काम दिला सकते। उस सभी लोग बोलते हैं तुम पढ़ के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और IAS बनो। सर, एक फार्मर 100 आदमी को क्या बोलते हैं काम देता है और उनका भी घर चलता है, वो सेटिस्फेक्शन है सर। प्रॉफिट है, लॉस बोल के नहीं। सभी एक ही टाइम पे सभी लोग क्या करते हैं, टमाटर लगे तो टमाटर लगाते और वाटरमेलन लगे तो वाटरमेलन, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करके रख रहे सर। अभी येलो का फर्स्ट टाइम सर मेरे अंदर से आंध्रा में नहीं है येलो का, और कर्नाटक में नहीं है। फर्स्ट टाइम कर्नाटक में मैं बिल्डिंग करके लिया, सो ये है सर। और महाराष्ट्र में नहीं है इधर, जो भी ऑलमोस्ट मेरे इंडिया में आई थिंक माय सेकंड और थर्ड पर्सन सर। शख्स का नाम बसवराज है, जो कि ग्रेजुएट हैं। वो कलबुर्गी में कोरल्ली गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने गांव में पीले रंग के तरबूज की खेती की है। किसान बसवराज कहते हैं कि मैंने इस तरबूज की खेती में 2 लाख रुपए निवेश किए थे, जिससे मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये लाल तरबूजों से ज्यादा मीठा होता है। इसमें 3-6 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट हो गया सर, 2 लाख रुपीस एक्सपेंस हो गया सर मेरा। ओके, टोटल 3-6 लाख रुपीस आपका इनकम है सर। अच्छा, अभी कितना यील्ड हुआ, कितना टन हुआ है? ये टोटली 55 टन हो गए सर मेरा, 2 एकर में सर 55-60 टन हो गए सर। वो उसमें क्या है सर, वो सेकेंड माल फर्स्ट क्वालिटी सर 55 टन हो गया, सेकेंड क्वालिटी 5 टन हो गया सर। बताया जा रहा है कि तरबूज की एक किस्म वैज्ञानिकों ने विकसित की है, जो न कि सिर्फ मीठा होता है बल्कि इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। ये तरबूज जब तक काटा ना जाए तब तक आम तरबूज की तरह दिखता है, हालांकि अंदर से ये लाल नहीं बल्कि पीले रंग का होता है। एक नया कॉन्सेप्ट मैंने किया सर वाटरमेलन का, येलो वाटरमेलन का। ऑल ओवर कर्नाटक में कोई भी फार्मर येलो का ये नहीं किया था, वाटरमेलन नहीं किया था। और एक स्पेशल क्या है सर इसमें बोले तो, रजिस्ट्रेशन पावर ज्यादा है इसमें, कीपिंग क्वालिटी है और स्वीटनेस ज्यादा है, विटामिन ए बी सी वो भी है सर। और नेक्स्ट क्या है सर इसमें 48 कैलोरीज है सर इसमें, वो थोड़ा क्या है सर दूसरे ये बड़ा अभी जो रेड वाटर मेलन से भी थोड़ा यूनिक है सर, वो टेस्ट भी अच्छा है सर। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस पीले रंग के तरबूज की खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सही तापमान मिलना चाहिए। गर्मी में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गर्मी में इसे देश के ज्यादातर राज्यों में उगाया जा सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।